कलेजियम प्रणाली क्या होती है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये जानते हैं चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है हमारे कानून और न्यायिक मंत्री, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर या फिर CJI को क्या किया है कि कलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को दरकिनार कर अपने पसंद के लोगों की नियुक्ति या पदोन्नति की सिफारिश करते हैं। मतलब क्या कि जो अभी हमारे जो न्यायाधीश होते हैं वह अपना एक लिस्ट जारी करते हैं और अपने अनुसार लोगों की नियुक्ति करते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह किस भारतीय किस अनुच्छेद में दी गई है। तो भारतीय अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 127 के अनुसार दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कलेजियम प्रणाली और इसका विकास कैसे होता है। तो कलेजियम प्रणाली जो वह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित नौक और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। मतलब इसमें न्यायाधीशों के हस्तांतरण और नियुक्तियों की बात की जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय है ने यह तय करता है कि हाई कोर्ट या के जो जज हैं वो कौन होंगे, इसकी प्रावधान की बात करता है। तो आइए जानते हैं इसका विकास कब से शुरू हुआ। तो 1981 में इसका मतलब कुछ बवाल हुआ, झगड़े हुए सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति के बीच या फिर संसद के बीच। इसमें यह निर्धारित किया गया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर सर भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों के चलते अस्वीकार किया जा सकता है। इसमें यह बताया निर्णय लिया गया कि जो न्यायिक नियुक्तियां की जाएंगी, जो भी न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाएंगी उसमें CJI द्वारा जो भी प्रमाणित किया जाएगा कि यह व्यक्ति रहेंगे, इसकी कोई अस्वीकार प्रमाण नहीं दिया जा सकता, उनको हटाया भी जा सकता है और उनकी बात को कहा प्रधानता तो है, उनकी बात को प्रधानता दी जाती है क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय है तो उनके बात को मानना भी चाहिए, ऐसा प्रधान किया गया। इस निर्णय ने अगले 12 वर्ष के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका और कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी। मतलब कि इसमें बताया गया कि जो भी हमारा न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा उसमें राष्ट्रपति सहभागिता पूर्ण उसमें प्रधानता देगा, राष्ट्रपति की अनुमति उसमें आवश्यक हो जाती है। आइए जानते हैं दूसरी न्यायाधीश नियुक्ति का मामला क्या हुआ। 1993 में गठित हुआ सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए कलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है, यानी इसमें जो है वह दो चार लोग बैठकर आपस में बात विचार करेंगे और अपना बताएंगे, मत देंगे कि कौन सा न्यायाधीश नियुक्त होगा कौन सा नहीं होगा, इसका विचार विमर्श करने की बात की गई है। जो बताया गया कि CJI होंगे और दो अन्य न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की परामर्श ली जाएगी, सहमति ली जाएगी और नियुक्त किए जाएंगे। तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 में घटित हुआ। सर राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कलेजियम का विस्तार किया जिसमें CJI और उनके 4 वरिष्ठ सहयोगी शामिल होंगे। मतलब इसमें क्या होगा कि तीसरे में यह बताया, मतलब मामला जब यह आया तो उसमें 143 अनुच्छेद का मतलब कि राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सहमति देता है। तो यह बताया गया है कि कलेजियम प्रणाली के लिए इसमें जो है हमें एक CJI और 4 वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय के सहयोगी होने चाहिए, इसमें यह बताया गया 1998 में और नियुक्ति की जा रही थी तो मामला गड़बड़ा जा रहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय जो था वह सहमति देने के लिए सरकार के पास भेजता है। अब बात की आती है मुख्य बिंदु जो होता है इसमें मुख्य बिंदु के तौर पर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका हेड जो होता है उसमें जो भी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी वह CJI यानी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही उसमें नियुक्तियां की जाती है और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वह कलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कलेजियम प्रणाली द्वारा तय किए गए नाम
जाने के बाद की प्रक्रिया में होती है। मतलब कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, नाम तय कर लेता है कि किसको नियुक्त करना है, तो वह अपना वह रिपोर्ट सरकार के पास भेजता है और सरकार कहता है कि यहाँ इनको नियुक्त किया जाए और बात की प्रक्रिया इसके बाद प्रारंभ हो जाती है किसको नियुक्त किया जाए किसको नहीं नियुक्त किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। Share my